समाज में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम माह एक ऐसा महीना होता है जिसमें वर्ष भर में होने वाले सभी त्यौहार एक महीने में मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली दोबारा मनाई गई है। देखिए होली की अद्भुत तस्वीरें। राधे राधे, ब्रज के अधिष्ठात्री देवी राधा रानी का ब्रज धाम, सबसे न्यारा ब्रज धाम, आज यहाँ पर होली मनाई गई। वैसे तो ब्रज में होली फागुन में मनाई जाती है, लेकिन अधिक मास के चलते ये अधिक मास तीन साल में एक बार आने वाला अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया जाता है, जहाँ ब्रज के और होने वाले जितने भी पावन पर्व हैं उनको इस एक महीने के रूप में मनाया जाता है। आज उसी के दौरान ब्रज बरसाने में होली मनाई गई। सेवायत गोस्वामी में द्वारा यहाँ पद गायन करके ठाकुर जी को प्रतीकात्मक रंग गुलाल और फूलों के साथ में होली मनाई गई। देख सकते हैं आप इस समय कि समाज गायन के जो सेवायत गोस्वामी में जो नंदगांव से भी आए थे बरसाने के, यहाँ पर अभी होली खेल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से गुलाल लोग अभी भी उड़ा रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके जय राधे और श्री राधे की जयकार मंदिर में गुज रही है। ऐसे इस बात करने के लिए कुछ सेवायत गोस्वामी भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, उनसे पूछेंगे किस तरह से आज यहाँ होली मनाई गई और क्या क्या उत्सव रहा। जी राधे राधे। जय श्री राधे जी। क्या नाम है आपका? जी प्रेम किशोर गोस्वामी जी। आज यहाँ पर जो होली मनाई गई है, किस लिए होली मनाई गई है जबकि फागुन में होली मनाई जाती है? ये अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में क्या होता है कि ब्रज में सारे उत्सव जो है वो इसी महीने में, हमको जो साल भर के उत्सव होते हैं वो हमें मनाने होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जितने उत्सव हो जाए श्री जी के सामने उतना ही अच्छा है, उतना ही फल मिलता है। और अधिक मास का मतलब है अधिक, जितना ज्यादा इसमें पुण्य करेंगे उतना ही उसका फल अधिक मिलता है और मासों की अपेक्षा। इसलिए इसमें जो आज होली का उत्सव है, इससे पहले जो है तीज, उसके बाद में फिर जो है राधाष्टमी का भी उत्सव मनाया जाएगा। और आज जो है नंदगांव वालों को आमंत्रित किया गया, पद गायन हुआ, बरसाने वाले भी गोस्वामी परिवार भी बैठे हुए, तो इस कारण जो है दोनों का बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में जो है बिल्कुल ऐसे होली का माहौल बनाया गया। किस तरह से आप लोगों ने सुबह से लेकर और शाम तक किस तरह से होली मनाया गया, क्या क्या रहा इस दौरान? इस दौरान एक तो श्री जी का फूल बंगला सजाया गया, कल रात से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। उसके बाद में नंदगांव के गोस्वामियों को जो है न्योता भेजा गया, वो आमंत्रित किए पद गायन के लिए, यहाँ पर होली के लिए पद गायन पर, जो पद गायन होली के उत्सव में होता है वही पद गायन आज हुआ है। तो किस तरह से क्या 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 पद रहे उस दौरान, कैसे कैसे आपने? तो वो पद देखो ऐसा है कि कई सारे पद हैं उसमें, वो इतना तो खैर। एक होली का भजन आपकी तरफ से? होली का भजन तो क्योंकि होली का माहौल है ब्रज में, होली तो सबसे न्यारी है, कहते हैं सब जग हो रही है और ब्रज जग हो रहा, तो किस तरह से होली का एक भजन आपके बनते हैं? रंगीली होली आज ब्रज में हो रही। तो इस तरह से आपने देखा कि सेवायत गोस्वामी ने यहाँ पर बरसाने पर आज फागुन का महीना होना होते हुए एक अधिक मास में होली मनाई, जहाँ सुबह से ही फूल बंगले का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ नंदगांव के जो सेवायत गोस्वामी, नंदगांव के जो लोग हैं वहाँ के लोग, ग्वाल वालों को जो है न्योता भेजा गया, जिसके बाद में नंदगांव से ग्वाल वाल यहाँ आए और यहाँ पर बरसाने के गोस्वामी और ग्वाल वालों ने सबने मिलकर यहाँ पे रंग रंगीली होली खेली। ब्रज की होली जग प्रसिद्ध है, उस तरह से आज का माहौल यहाँ बनाया गया। देख सकते हैं कि आज राधा रानी को मनाने के लिए यहाँ पर सेवायत गोस्वामी और उनके भक्तों द्वारा फूल बंगला का आयोजन भी किया गया है। रंगीले फूलों के साथ में राधा रानी का ये मंदिर शोभायमान हो चुका है और इन फूलों की खुशबू से महक उठा रहा है। राधा रानी का ये धाम आज फिर एक होली ने रसिया के जयकारों के साथ गूंज चुका है। प्रेम कौशिक, समाचार 24, वृंदावन।